स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं अटैक के लिए, देखते हैं इनका अटैक और उसके बाद देखेंगे आप लोग के कमेंट्स। तो बिलियर्ड ला लो भाई। पता नहीं इन भाई साहब ने तो कसम खा ली है, मैं 14 पे एक ही आर्मी करूँगा बस। बिलियर्ड ला लो, अब मोड कोई सा भी हो, लेजेंड लीग हो या वॉर हो, समझ लो। ये तो भाई बिलियर्ड लालो के साथ ही करते हैं भाई, अब देखते हैं इनका हिट। लावा बिलेम बिल्कुल सही पहुंच गए, सीन कुछ अलग है। ये बिलियर्ड लालो नहीं है, ये तो गाइस येटी लालो कर रहे हैं आज। विलियम में भाई इन्होंने येटी लिए हैं, ठीक है, हमें लगा कि सुपर विजार्ड छोएंगे, ऐसा नहीं था। इन्होंने सिर्फ वैल्यू लिए, सीसी लूट कराई है और ईगल ली है, ठीक है। तीन इनविजिबल स्पेल जो हमें लग रहा था बिलियर्ड के लिए, ऐसा था ही नहीं। यहाँ पर बिल्कुल पागल बना दिया स्टार भाई साहब ने हमारा। यहाँ पर हीरो सुई के लिए ये तीन इनविजिबल स्पेल, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्कैटर कंपार्टमेंट में सुई है ये वाली, किंग आ गया है अंदर, बहुत ही बढ़िया। किंग से आरसी स्कैटर खा जाएंगे शायद, अपना आरसी भी डाल दिया है यहीं से। क्या फ्रीज करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल एक फ्रीज स्पेल का यूज़ करा है, किंग एबिलिटी यूज़ कर दी है, रॉयल चैंपियन भी साथ में है, क्वीन अंदर आ गई है और साइड में बलून डाले हैं ताकि रॉयल चैंपियन इधर आए ना। उसको ले जाना चाहते हैं मल्टी पर, क्वीन को ले जाना चाहते हैं शायद टाउन हॉल पर, या फिर टाउन हॉल से लाना चाहते हैं डायरेक्ट लावालून। इनविजिबल स्पेल का यूज़ किया है, मल्टी इन्फर्नो निकालना चाहते हैं, रॉयल चैंपियन से दोनों मल्टी निकालना चाहते हैं शायद। यस, एक इनविजिबल और डाला है और आरसी की हेल्थ देखो, आरसी की हेल्थ देखो कितनी है, खा गए दोनों। क्वीन से टाउन हॉल आ जाएगा, लावालून 3 o'clock से आ सकता है और बल्कि अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, टाउन हॉल क्वीन से कन्फर्म होगा उसके बाद ही अटैक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भाई लालो स्टार्ट हो गया है क्योंकि क्वीन अंदर एंट्री ले चुकी है, टाउन हॉल कन्फर्म हो चुका है। स्टार भाई साहब ने यहाँ पर लालो स्टार्ट कर दिया है और टाइम की बात करें तो टाइम कम है, इसीलिए 9 o'clock से कुछ बलून डालें ताकि आर्चर टावर डाउन हो जाए और वहाँ पर कुछ मिनियन डालकर ये क्लीन अप कर लें। एंड वार्डन एबिलिटी यूज़ कर दी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेस तो देखो इजिली कवर हो रहा है, बस थोड़ा टाइम का इशू है एंड टाइम को भी धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। एंड जहाँ जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर देखो कर रहे हैं, बलून्स डाल रहे हैं, मिनियन डाल रहे हैं ताकि जल्दी से ये बेस कवर हो पाए। और लग तो रहा है कि भाई हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या रहता है। एक सुपर गोब्लिन है, 2 आर्चर है, 1 फ्रीज, 1 इनविजिबल बचा हुआ है एंड लास्ट में 1 फ्रीज पहले यूज़ किया इन्फर्नो के ऊपर, विजार्ड टावर के ऊपर। तो 20 सेकेंड है यहाँ पर एंड कुछ भी हो सकता है, ट्रिपल के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्या हो पाएगा। एंड 13, 12, 11, 10 इनविजिबल स्पेल किंग के ऊपर डाल दिया था और ये हो गया ट्रिपल। तो गाइज स्टार भाई साहब ने कर दिया यहाँ पर ट्रिपल एंड अभी देखते हैं आगे। तो अभी आने वाले क्लाउस भाई साहब अटैक के लिए आ चुके हैं, तो इनके अटैक को देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर लालो कर रहे हैं, 3 इनविजिबल स्पेल है, 3 स्केलेटन्स है, लॉग लॉन्चर लिया है यानी कि बिलियर्ड नहीं है, 4 हेड हंटर्स हैं, प्लान हैवी है, ये वाला प्लान हैवी है। स्केलीडोनेट, ओके स्केलीडोनेट है, यहाँ पर इन्फर्नो क्लैन कैसल मिल जाएगा, रिक्स बढ़ाए और रिक्स पास हो गया है तो ट्रिपल हो सकते हैं। अब 6 o'clock पर फनल, लोग लॉन्चर के साथ हीरो सुई बैक साइड से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है प्लान, लोग लॉन्चर लगा के रखा है, क्या सही में लोग लॉन्चर यूज़ होने वाला है, एनटीएस तक की वैल्यू, चलो देखते हैं, हो सकता है लावलून डायरेक्ट टीएस से आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है प्लान, चलो देखते हैं। किंग एबिलिटी यूज़ कर दिया, ईगल कंपार्टमेंट यहाँ पर डाउन हो जाएगा, इसलिए एक हेड एंटर का यूज़ किया, बहुत ही अच्छा। क्वीन के लिए वॉल ब्रेक यहाँ पर लोग लॉन्चर कर ही देगा एंड स्कैटर को भी टारगेट कर रहा है लोग लॉन्चर, ये काफ़ी अच्छा हुआ है। आगे से रॉयल चैंपियन डाल दिया, लेकिन भाई साहब ये वाला कंपार्टमेंट काफ़ी हैवी है, एक फ्रीज स्पेल का यूज़ किया, काफ़ी सारे यहाँ पर स्केलेटन्स आ चुकी हैं
एंड क्वीन क्वीन को यहाँ पर डाउन कर देगी। सीसी के अंदर येटी लिए और येटी यहाँ पर स्कैटर शॉट को डाउन कर चुके हैं। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज कर दी है। क्या यहाँ पर क्वीन अंदर जा पाएगी? क्वीन नीचे आ रही है, क्वीन बाहर आ गई है। क्वीन का प्लान था अंदर का, लेकिन भाई साहब क्वीन तो उल्टी आ गई है। और रॉयल चैंपियन को प्लान जिस कंपार्टमेंट में किया था उस कंपार्टमेंट में निकला टेस्ला फॉर्म एंड काफ़ी सारे ट्रैप्स, तो वहाँ पर भाई साहब रॉयल चैंपियन पूरा कंपार्टमेंट क्लियर कर नहीं पाई। अगर वो ट्रैप्स नहीं होते, टेस्ला फॉर्म नहीं होता, तो पूरा क्लियर होता। बैक साइड से लावलू ने यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और पूरा रिक्स लेना चाहते हैं एंड बैक साइड से ही टाउन हॉल तक पुश करेंगे बलून्स के साथ। तो देखते हैं क्या टाउन हॉल तक बलून्स पुश कर पाएंगे। दो फ्रीज है, हैस्ट स्पेल बचा के रखी है, टाउन हॉल को फ्रीज किया है, वार्डन की एबिलिटी है, बलून्स काफ़ी सारे बचे हुए हैं। तो क्या ये वन स्टार हो पाएगा? वन तो नहीं होगा, टाउन हॉल तक बलून्स पुश कर चुके हैं। क्या इस अटैक को ट्रिपल में ये बदल पाएंगे? एंड यहाँ पर एक लास्ट वाला जो हैस्ट है वो होल्ड करके रखा है और बहुत ही अच्छा हैस्ट स्पेल यूज़ किया था टीएच के ऊपर। बलून्स पूरी हेल्थ में है, लास्ट वाला हैस्ट डाल दिया, मल्टी इन्फर्नो क्या यहाँ पर निकल पाएगा? विजार्ड टावर है, बलून्स की हेल्थ कम है, लेकिन बलून्स पीछे भी हैं बैकअप में और ये मल्टी डाउन तो समझो बेस्ट ट्रिपल, ये बेस्ट ट्रिपल कर दिया क्लाउस भाई साहब ने। प्लान के अकॉर्डिंग रॉयल चैंपियन से यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो डाउन होना था, कोर में क्वीन जानी थी, लेकिन क्वीन भी गलत आ गई, रॉयल चैंपियन डेड हो गए, वैल्यू ले नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद भी लावलून से बेस को रिकवरी कर दिया इन्होंने। तो काफ़ी ओपी अटैक एंड ओपी क्लाउस कर दो कमेंट बॉक्स में।